Welcome students, welcome to my class. My name is Aishi Jain and here I am with another chapter, which is chapter number 1, Symmetry and Pattern. You have already studied this chapter in standard 4th, but in this chapter we will learn new things which are related to symmetrical lines and different patterns. Okay, so let's get started. Before starting the lecture, I would suggest you to take test books and notebooks with you so that your all concepts will get more clear. Okay, so as you can see, I have taken some examples from let us recollect exercise of your test book only. Okay, so a first example, 2, 3, 5, and you have to fill this 3 numbers. Okay, so can you see a pattern here? Yes, you will see a pattern here. If you add 2 to 3, agar hum 2 ko 3 se add kare to hame kya mil raha hai? 5. तो अगर हम 5 और 3 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 8. 8 और 5 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 13. और 13 और 8 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 21. तो आप देख रहे हो, ये सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. कौन से ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. और इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? याद करो, फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, एडिशन का पैटर्न फॉलो हो रहा है. क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? हम इसमें 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर वी आर एडिंग द नंबर विच इज बिफोर ऑफ इट. ओके, जैसे कि 5 से पहले आपको कौन सा नंबर नजर आ रहा है? 3. तो 5 और 3 विल बिकम 8. नाउ 8 एंड 5 विल बिकम 13. नाउ 13 एंड 8 विल बिकम 21. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सो कैन यू सी हियर, आई हैव ड्रॉन दिस 3 बॉक्सेस एंड इन ईच बॉक्सेस आई हैव सर्टेन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स ऑल्सो. ओके, सो 25, 24, 23. क्या कॉन्सेप्ट आपको इसमें नजर आ रहा है? दिस नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. 25, 24, 23 बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. बट साथ साथ में हमारे पास अल्फाबेट्स भी हैं, जैसे कि ABC. अब ABC ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो जो हमारे नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो आप गेस करो कि जो नया, मतलब जो हमारा टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, वो क्या होगा? वेरी सिंपल, येस, इट विल बी 25, 24, 23, देन इट विल बी 22, देन 21 एंड देन 20. ये हमने नंबर्स का किया. अब ABC, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? एग्जैक्टली, इट विल बी DE एंड F. ओके, सो मेरे नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से आ गए? 22D, 21E, 20F. ओके, सो उसके बाद आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ाबेट लिया है और मुझे पूछा गया था कि क्या इस अल्फ़ाबेट में कोई सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो सकती है? तो यस, कहाँ से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ होगी? सेंटर में से. अब आप देखोगे, आपका जो ये बी वाला पार्ट है, दिस बी पार्ट एंड दिस पार्ट, बोथ आर इक्वल. तो जब आप किसी भी इमेज को या ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो बाय ड्रॉइंग अ लाइन, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल लाइन. तो इस अल्फाबेट की सिमेट्रिकल लाइन क्या थी? यहाँ पे. ओके, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द सिमेट्रिकल लाइन. ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन यू कैन सी हियर, विच इज, यहाँ पे मैंने आपको 3 बॉक्स बना के दिए हैं, पॉट टाइप्स. उसमें फर्स्ट पॉट में 2 मार्बल्स हैं, सेकेंड में 3 मार्बल्स हैं, देन 4 मार्बल्स हैं. तो अब बताओ बाकी के पॉट्स में कितनी मार्बल्स होंगी? यस, तो आप पहले पॉट ड्रॉ कर लो यहाँ पे. सो यहाँ पे 2 मार्बल्स, 3 मार्बल्स, 4 मार्बल्स, अब यहाँ पे आएंगी 5 मार्बल्स, देन 6 मार्बल्स एंड देन 7 मार्बल्स. ओके, वेरी सिंपल. तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो हो रहा है. आई नो आप लोगों को धीरे धीरे फोर्थ स्टैंडर्ड का याद आ रहा होगा, और आप देखो मैं ये एग्जाम्पल्स भी इसीलिए ही कर रही हूँ जैसे कि आपको फोर्थ स्टैंडर्ड का रिवाइज होता जाए. ओके, बिकॉज फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड, दिस बोथ चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, सो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो हो रहा है. नाउ आई हैव ड्रॉन अ लीफ ओवर हियर जस्ट टू शो द सिमेट्रिकल पार्ट.
as in earlier standards we all know that what is symmetry. You can find symmetry everywhere. Okay, just for an example, I have taken an example of a leaf. Agar aap पेड़ की लीफ को देखोगे और अगर उसको बीच से कट करोगे तो आपको पता चलेगा उस पत्ते के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, उसमें एक लाइन जा रही होती है, तो दैट इज़ द सिमेट्रिकल लाइन. उसके बाद अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक बटरफ्लाई का, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं बटरफ्लाई का, ठीक है. सो दिस इज माई बटरफ्लाई. अगर मुझे इस बटरफ्लाई की सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या पॉसिबल है इसकी सिमेट्रिकल लाइन? यस, इसकी सिमेट्रिकल लाइन पॉसिबल है. कैसे? अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन विल बी इक्वल. तो जब कोई चीज़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है फ्रॉम अ लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल लाइन. ओके, तो आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सारी सिमेट्रिकल लाइंस देखने को मिल सकती है. ओके, लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल नंबर 5. सो यहाँ पे आप देख रहे हो बॉक्सेस का एक पिरामिड बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग थे बट मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिए. तो वो वैल्यूज़ आई कैसे हैं तो हम देखते हैं. सबसे पहले 2, 3, 4, 5 मेरे पास ये नंबर्स थे और यहाँ पर मुझे ब्लैंक दिया हुआ था और यहाँ पर 5 है. तो आप कौन सा पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन, जैसे कि 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9. आप देख रहे हो ये लाइंस जो हैं वो हमें बता रही हैं कि हमें कौन से दो बॉक्सेस लेने हैं. उसके बाद दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स फॉर पर्टिकुलर 7 बॉक्स. ओके, ये वाला जो बॉक्स है और ये वाला जो बॉक्स है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7. उसी तरीके से आपको इन सब में ऐड करते जाना है, जैसे कि 5 and 7, 5 and 7 = 12, 7 and 9, 7 and 9 = 16. ओके, एंड 12 and 16 = 28. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पे भी एक इंक्रीजिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसके साथ एडिशन किया गया है. ओके, सो दिस वॉज द रिविजन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स गो टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ वी विल स्टडी नंबर्स ऑफ सिमेट्री लाइन. ओके, किसी एक पर्टिकुलर इमेज में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है. उससे पहले मैं आपको बता दूं एक नॉर्मल चीज़, अगर सिमेट्रिकल लाइन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको कौन सी लाइन कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे. कौन सी लाइन कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. और अगर लाइन सीधी है तो उसको कहेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है. फॉर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई विल ऑल्सो टेल यू, the symmetrical line is also called mirror line. Why mirror line? Because जब आप mirror में देखते हो तो आपको कैसा एक same ही view दिखता है, same image दिखती है. तो उसी तरीके से अगर आप किसी भी object को या किसी भी image को symmetrical line से divide करते हो तो जो second image होगी वो first image के जैसे ही होगी, यानी एकदम same to same. Okay, तो इससे भी आपको एक बार clear हो रहा है concept कि symmetry का मतलब क्या होता है. Okay, तो आपने देखा है यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं और उसमें हमें क्वेश्चन पूछा है कि यू हैव टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो सबसे पहले मैंने बनाया है नंबर 8. तो क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है जो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके? यस, तो यहाँ पे एक लाइन बन रही है, वो बन रही है हॉरिजॉन्टल. कौन सी लाइन बन रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है. मैम, क्या हम ऐसे नहीं कट कर सकते? अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होगा और वो हो जाएगा रॉन्ग. इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ होगी? फ्रॉम दी सेंटर. सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ बी, अब यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बतानी है. तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही है इसमें? यस. अब वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी? सोचो. यस, इट विल बी वर्टिकल, ठीक है. अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो मुझे ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट्स नज़र आएंगे. और हमारी सिमेट्री लाइन का तो मतलब ही क्या होता है कि वो किस में होना चाहिए?
इमेज किस में होनी चाहिए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एरो काइंड ऑफ चीज़ बनाई है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो कुछ कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल भी होगी और कुछ कह रहे हैं वर्टिकल भी होगी। तो यहाँ पे दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी, कैसे, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ से वर्टिकली कट कर रही हूँ तो भी मुझे दो इक्वल पार्ट मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से उसको कट कर रही हूँ तो भी मुझे दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। कैन यू सी हियर, लाइक दिस एंड दिस वे। ओके, सो ये एक ऐसा इमेज है जिसमें दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, किसी भी इमेज में या किसी भी ऑब्जेक्ट में मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। कभी कभी कुछ इमेजेस या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल पी। अब यहाँ पे देखो पी बनाया है, तो क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है? चेक करो, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली कोई भी लाइन आपको अगर आप इनको कट करोगे पी को, तो क्या इक्वल पार्ट आपको मिल पाएगा? इसमें पॉसिबल नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर वर्ड और अल्फाबेट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे? तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ तो ये सेक्शन ज़्यादा है और ये सेक्शन इतना ही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ तो यहाँ पे सेक्शन इतना बड़ा और यहाँ पे इतना छोटा, तो ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो ही नहीं रहे। तो इस पर्टिकुलर अल्फाबेट की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो दिस हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको अगर ये एक्सरसाइज देखनी है टेक्स्ट बुक में तो प्लीज़ रिफ़र एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी सिमेट्री लाइन है ही नहीं, और ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लेट्स सी, हम वो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। अब अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। उसमें से आपको बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, और ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है। तो फटाफट हम ले लेते हैं वो एग्जांपल जिसमें हम बताएंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट्स में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में। ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स आउट ऑफ 26 जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है और एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। वन लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर में ही जाएंगे। तो ए, अगर आप ए को नोटिस करोगे तो यू विल सी ए में वन लाइन ऑफ सिमेट्री है विच इज़ हॉरिजॉन्टल। देन बी, बी में वर्टिकल, दिस इज़ वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। देन सी में, सी में इट विल बी हॉरिजॉन्टल। डी में इट विल बी हॉरिजॉन्टल। ई में इट विल बी हॉरिजॉन्टल। सो ए बी सी डी ई, ये कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। नाउ ई के बाद क्या आता है, ई एफ। पर एफ में ना हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। कैसे? अगर सपोज मैं उसको ऐसे वर्टिकली कट करूँ तो मुझे ये वाले पार्ट में इतना सारा मिल रहा है और इस वाले पार्ट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वर्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रही हूँ तो ऊपर के पार्ट में देखो ये इतना सेक्शन है और नीचे के पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, F के बाद G, G में भी सेम, अगर आप इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर ही नहीं सकते हो। G, देन H, नाउ H इज समथिंग विच इज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कैसे? तो देखो यहाँ पे मैंने H ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको बीच में से यानी कि हॉरिजॉन्टली कट कर रही हूँ तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, और अगर मैं इसको यहाँ से यानी कि वर्टिकली कट कर रही हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं। तो इससे समझ आता है कि H में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, एज इन अर्लियर वीडियो आई हैव टोल्ड यू टू पॉज द वीडियो एंड राइट
down or note down the things you want to note down in your notebook. So here you can pause the video and here you can write this thing in your notebook. Okay, so this I, O, X, these are alphabets which has two lines of symmetry. Okay, और no lines of symmetry में कौन कौन से हैं, जिसके जिसमें बिल्कुल line of symmetry possible नहीं है, F, G, J, L, N, P. अभी हमने थोड़ी देर पहले P का example देखा था, Q, R, S, Z. Suppose Z है, तो Z को अगर मैं यहाँ से cut कर रही हूँ तो ये वाला part और ये वाला part दोनों भी same नहीं है. अगर मैं वर्टिकली कट कर रही हूँ तो भी ये वाला सेक्शन ज़्यादा है और इस वाले सेक्शन में कम है. तो इसीलिए ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें सिमेट्रिकल लाइन पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही नंबर्स होते हैं. अगर 1 to 10 में मुझे देखने हैं नंबर्स और उनको मुझे बताना है कि कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो आप बता सकते हो जैसे कि 1, तो क्या 1 में लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? ओके, सो करके देखते हैं हम यहाँ पे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. 2 में इट्स नॉट पॉसिबल. 3 में नॉट पॉसिबल. 4 में इज इट पॉसिबल? नो. 5 नो. 6 नो. 7 नो. 8 यस. देन 9 नो. 10 इज इट पॉसिबल फॉर 10? यस, इट इज पॉसिबल फॉर 10. ओके, तो आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपको आपकी प्रोजेक्ट बुक में ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट्स ड्रॉ करने हैं और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है. जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है उनके ऊपर आप मैम की तरह, जैसे मैम ने क्रॉस किया है, आप क्रॉस कर सकते हो. ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यू कैन रिफर टू एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द टेक्स्ट बुक. ओके, लेट्स टेक एक्सरसाइज 1.2. Okay, so this is now exercise 1.2. You can refer exercise 1.2 for this particular exercise, a very simple exercise in which you have to draw the shapes in vertical flip, horizontal flip and slide flip. Earlier of this video I have told you what is the meaning of vertical, what is the meaning of horizontal, and now what is the meaning of slide. Now what is the meaning of slide? जब आप किसी चीज़ को shift करते हो, जब आप किसी चीज़ को shift करते हो तो उसका sketch आप कैसे बनाओगे? For an example, अगर आप आपको घर shift करना है और आपने एक box लिया है, ठीक है, उस box को आपको आपके drawing room से लेके आपके bedroom तक आपको उसको shift करना है उस box को, तो आप क्या करोगे? आप उस bag को push करोगे, ठीक है, इस तरीके से पुश करोगे कि वो क्या होगा, धीरे धीरे पुश होते होते ड्राइंग रूम से बेडरूम में चला जाएगा. तो क्या उसकी शेप या चेंज हो जाएगी? ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा? क्या उसकी शेप में कोई चेंज होगा? नहीं. आप स्लाइड कर रहे हो, आप उसको सिर्फ मूव कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें आपका जो शेप है वो चेंज होता नहीं है. अगर इस चौक को मैं स्लाइड कर रही हूँ तो क्या ये चौक की शेप चेंज हो गई? ये ऐसे हो गया? क्या ये ऐसे हो गया? नहीं. ये शेप जो इस चौक की शेप थी जब मैंने उसे स्लाइड किया तो वो सेम ही है. तो जो स्लाइड व्यू होता है, जो स्लाइड का जो स्केच आप ड्रॉ करोगे, वो आपका जो मेन शेप है उसके जैसा ही आएगा. ओके, सो स्लाइड पार्ट आपका हो गया. नाउ वर्टिकल फ्लिप. वर्टिकल फ्लिप यानी आपको उसको स्ट्रेटली चेंज करना है, उल्टा. तो आपने देखा यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रॉ की है, तो अगर इसकी वर्टिकल फ्लिप मैं करूँ तो वर्टिकल फ्लिप में ये इमेज कैसे आएगी? ऐसे आएगी, ठीक है. इसका हॉरिजॉन्टल व्यू क्या होगा? एकदम इसके अपोजिट, यानी मिरर. अगर यहाँ पे मैं कांच लगा दूँ या फिर मिरर में देखूँ तो मुझे कैसी इमेज मिलेगी? ये इमेज मिलेगी इससे अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट साइड में. सो दिस विल बी माई हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ दिस शेप. नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक हार्ट लिया है यहाँ पे. अगर इस हार्ट को मैं फ्लिप कर रही हूँ, वर्टिकली फ्लिप कर रही हूँ, तो वर्टिकली फ्लिप करने के बाद वो मुझे कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है. अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली शो कर रही हूँ, आप यहाँ पे एक मिरर लेके देखो, अगर हार्ट की शेप आपको कैसी शो होगी मिरर में? आपको ऐसी ही शेप दिखेगी.
ठीक है। उसके बाद अगर इस हार्ट की शेप को मैं स्लाइड कर रही हूँ, तो मैंने आपको कहा स्लाइड में शेप चेंज होती नहीं है, सो दिस विल रिमेन दी सेम। ओके, सो आपकी एक्सरसाइज है ये 1.2, आप उसको देखो, उसमें बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड स्लाइड पार्ट। ओके, नाउ लेट अस गो टू एक्सरसाइज 1.3, वेरी सिंपल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकल और पैटर्न शेप पढ़ रहे हैं। अब पैटर्न्स सिर्फ शेप्स में ही नहीं होते, पैटर्न्स मैथमेटिकल नंबर्स में भी होते हैं, तो हम उन्हें कैसे करेंगे, सो लेट्स टेक अ लुक। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो एक पैटर्न बनाया हुआ है मैंने, और दो क्वेश्चन लिखे हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यू कैन रिफर टू एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो कैन यू सी अ पैटर्न हियर, क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और रिपीटेटिव वही चीज़ हो रही हो? यस, 9, 9, 9 and 9। ओके, 9 इज कॉन्स्टेंट, दैट इज परमानेंट। देन 8, दिस इंक्रीज बाय 9, 8, 7, देन 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके बाकी के नीचे की टर्म्स क्या होंगी? वेरी सिंपल, क्या कर सकते हो, 9, 8, 7, 6, 5, तो 4 माइनस, यहाँ पे हम 1 को कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, तो आप कितना माइनस करेंगे, 6। नाउ एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय 8, सो डिवाइडेड बाय 8। अब आप देखो, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, what will be my next number? My next number will be 1, 2, 3, 4, 5, 6। Okay? आप अपने friends के साथ trick भी कर सकते हो, आप उनको ये pattern लिख के दो और आप बोलो कि 1 minute के अंदर अंदर आप मुझे answer ला के दो। So this way you can solve big problems using patterns. Okay? आपको starting के 3 जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, बाकी के आपको खुद से सॉल्व करना है। तो बाय लुकिंग एंड बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी कैन इजीली राइट व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया, सेम हम इस स्टेप के लिए भी करेंगे। क्या आंसर आएगा मेरा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4 के बाद 3, माइनस 5, 6, 7 डिवाइडेड बाय 8। सो व्हाट विल बी माय आंसर, वेरी सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। Okay, so this way you can write the other term as well. Now look at example number B. So यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट है, कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, कौन सी चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन देखने से पहले समझनी होगी। ओके, सो यू कैन सी 3, 1, 3, 6, 9, इन सब में 3 नंबर्स का गैप है, तो इससे हमें टेबल नज़र आ रहा है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। What will be the other number? 3 6s are 18, 3 7s are 21। Multiply is constant, so multiply. 37 is constant here, so 37 and 37 equals to, can you see a pattern here? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, what will be my next number? It will be, yes exactly, it will be 6 6 6, and this will be 7 7 and 7. Okay, very simple, just by observing the first three of patterns, of mathematical patterns, you can write the rest of the pattern by yourself. Aap khud se kar sakte ho. स्टार्टिंग के 3 पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या इंक्रीज है, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या कांस्टेंट है। उसके बाद के जो पैटर्न्स हैं आप वो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज चैप्टर नंबर 1, सिमेट्री एंड पैटर्न। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक को देखें, उसमें से एक्सरसाइज सॉल्व करें, बिकॉज जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उतना ही आपका रिविजन और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन पब्लिक स्कूल सानन। आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।